नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर आए थे। इस दौरान पूरे दिन उनका कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त रहा। उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की और साथ ही रायबरेली एम्स में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और साथ ही चौथे फ्लोर को देखा और एम्स के डायरेक्टर के साथ मीटिंग भी की। इस दौरान उनकी मुलाकात अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ भी हुई और साथ ही कई डॉक्टरों से भी उन्होंने बातचीत की। क्या हो गया? किस चीज का? पेट का? चोट लगा कि अच्छी? कैसे चोट लगी? इसी से जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें राहुल गांधी 10 साल की एक बच्ची के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। 10 साल की इस बच्ची का नाम है आराध्या, जो कि अपनी स्पाइन में स्वेलिंग के कारण रायबरेली एम्स में भर्ती हुई है और उसका बुधवार को ऑपरेशन होना है। वो अपनी माँ गायत्री और पिता महेंद्र के साथ अस्पताल में मौजूद थी और तभी वहाँ पर राहुल गांधी आते हैं। राहुल गांधी बच्ची से उसका हालचाल पूछते हैं और खास बात ये कि बच्ची के साथ थोड़ी देर लूडो भी खेलते हैं। ये बच्ची उस वक्त लूडो खेल रही थी जब राहुल वहाँ पर आए और दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये आपको सुनवाते हैं। मम्मी के साथ खेल रही हो? कौन जीतता है? बोलो। सर, शी इज पोस्टेड फॉर संजय कुमार। इसके अलावा एक और मरीज से राहुल गांधी ने बातचीत की और उनका भी हालचाल पूछा और साथ ही एम्स के कई डॉक्टरों के साथ भी उनकी बातचीत हुई। कांग्रेस ने इससे जुड़े दो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं, एक्स हैंडल पर पोस्ट किए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि राहुल गांधी ने एम्स में सुविधाओं का जायजा लिया और मरीजों का हालचाल जाना। इसके अलावा एक जो दूसरा वीडियो शेयर किया गया है उसमें लिखा गया है कि आपके राहुल हमेशा आपके साथ हैं। तो ये दो वीडियो राहुल गांधी के शेयर किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से और खास तौर पे इस बच्ची के साथ जो बातचीत हुई, जिस अंदाज में राहुल ने बच्ची के साथ लूडो खेला। हम जानते हैं कि बच्चों के साथ खास लगाव रखते हैं राहुल गांधी और अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उनके छोटे बच्चों के साथ कई वीडियोज वायरल हुए थे।